अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2, द सेंसेस। द सेंसेस की टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो सेंड की थी और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छे से उसको देखा होगा। अच्छा, आज हम इस यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, टेल मी हाउ मेनी सेंसेस वी हैव। वी हैव 5 सेंसेस। वी हैव 5 सेंसेस, दीज आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हाउ मेनी सेंसेस? 5। देखिए पिक्चर में, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड साइट। अच्छा, अब हम ना वन बाय वन इसको देखेंगे भी। सबसे पहले मुझे बताएं, हाउ डू वी यूज द सेंसेस, हम अपनी सेंसेस को कैसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम फर्स्ट सेंस को कैसे यूज करते हैं। द फर्स्ट सेंस इज साइट। वी सी विद आर आईज। आप किससे देखते हैं? अपनी आंखों से ना। वी कैन सी हाउ बिग एंड हाउ फार अवे समथिंग इज। हम कैसे क्या करते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कोई चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स। कलर और शेप किससे नजर आ रहे हैं आपको? आपकी नोज से? नो, आईज से ना। यस, तो कलर और शेप देख सकते हैं। वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रादर देन अ डिम लाइट। रोशनी में हमें अच्छा क्लियर नजर आता है ना, जबकि हमें डिम लाइट में क्लियर नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि क्लियर नहीं होती ना, रोशनी भी प्रॉपर नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। देखिए पिक्चर कितनी क्लियर नजर आ रही है ना। क्यों नजर आ रही है? बिकॉज सन की लाइट है और हम बहुत अच्छे से जो है ना उसको क्लियरली देख सकते हैं। द सेकेंड सेंस इज हियरिंग। वी हियर साउंड्स विद आर ईयर्स। वी कैन हियर पीपल स्पीकिंग। वी कैन हियर लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड, है ना। क्या कर रहे हैं भाई? भाई सुन रहे हैं ना, किससे सुन रहे हैं? अपने ईयर से। जब ईयर से सुनते हैं तो इसका मतलब हमें साउंड्स आती हैं, है ना। देखें इसमें पिक्चर में भी देखें कि भाई क्या कर रहे हैं, भाई साउंड, जो गाड़ी नजर आ रही है आपको, है ना। ये आप देखिए, ईयर से हम ये सब की साउंड सुन सकते हैं। सम साउंड्स आर लाउड, सम साउंड्स आर सॉफ्ट साउंड्स। वी कैन हियर साउंड्स दैट नियर अस एंड सम दैट आर फार अवे, दूर वाली, दूर से। गाड़ी जब दूर से आती है तो हमें पता चलता है ना, लाइक बर्ड कभी आप बोलता है तब हमें पता चलता है, है ना। ओके, द सेकंड थर्ड सेंस इज स्मेल। वी स्मेल विद आर नोज। सम थिंग्स स्मेल प्लेजेंट, अदर स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। स्मेल हम कहाँ से हमें आता है? नोज से ना। आई कैन स्मेल विद माई नोज। आई कैन स्मेल विद माई नोज। आपको अपने नोज से पता चलता है ना कि खुशबू है या बैड स्मेल है। सो सम स्मेल्स आर प्लेजेंट। फ्लावर की स्मेल कैसी है? प्लेजेंट स्मेल है ना, है ना, प्लेजेंट स्मेल है। ओके, और ये देखेंगे भाई को किसकी स्मेल आ रही है? बिस्किट्स की, कुकीज की। कुकीज की स्मेल गुड स्मेल होती है और बैड गुड स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल है ना। सो ओके, अब ये देखिए, ओ बैड स्मेल, सॉक स्मेल इज बैड स्मेल। भाई को बुरा लग रहा है ना। ओके यस, सो इट मीन्स जो स्मेल है ना नोज, नोज से हमें पता चलता है हम स्मेल लेते हैं गुड और बैड, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं स्मेल है, कौन सी बैड। ओके, टुडे इज 26 अप्रैल और 26 अप्रैल को क्या करेंगे? यूनिट नंबर 2 द सेंसेस की फर्स्ट 2 लाइन की रीडिंग है। जस्ट वो है 5 सेंसेस, दीज आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब आते हैं 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को आप क्या करेंगे? आप रीडिंग करेंगे हाउ डू वी यूज सेंसेस साइट। बस वी सी विद आर आईज। वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज। वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स। वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रादर देन इन अ डिम लाइट। यहाँ तक बस आपकी रीडिंग है। और 28 अप्रैल को आप क्या करेंगे? 28 अप्रैल को हम रीडिंग करेंगे हियरिंग की। वी हियर साउंड्स विद आर ईयर्स। वी कैन हियर पीपल स्पीकिंग। वी कैन हियर लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। वी कैन हियर साउंड दैट आर नियर अस एंड सम दैट आर फार अवे। बस आपने इसी पैराग्राफ की रीडिंग अच्छे से करनी है, ठीक है, विद स्पेलिंग। अब 29 अप्रैल को हम क्या करेंगे? 29 अप्रैल को हम करेंगे स्मेल की रीडिंग। वी स्मेल विद आर नोज। समथिंग स्मेल प्लेजेंट, अदर स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। बस आपने इन 3-2 लाइंस के साथ साथ प्रीवियस रीडिंग को भी कंप्लीट करना है।